अस्सलामुअलैकुम ज़ुबैदा पे फूड सीक्रेट में खुश आमदीद। और आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सब्ज़ी पकौड़ा। तो चलिए आइए रेसिपी की। अब बेसन ले लिया हमने, अब इसके अंदर सब्ज़ी ऐड करेंगे। ये आलू हमने लंबे लंबे काटे हुए, और प्याज है इस तरह के, ये बंद गोभी, शिमला मिर्च, ये 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे, ये धनिया और जीरा और जवैन मोटी मोटी कूटी हुई है, ये बड़े वाला चम्मच है एक, और 1.5 चम्मच ले लेंगे। एक चम्मच नमक का, ये लाल मिर्च है मोटी मोटी कूटी हुई, के अंदर ये सब्ज धनिया 2 चम्मच डाले हमने, ये 1 चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, और 1/2 चम्मच हल्दी। चलिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया, ये इस तरह का बैटर हो गया। ये ज़्यादा ये चीज़ ज़्यादा बेसन नहीं हमने डाला। चलो इसके बहुत ही मज़े के क्रंची से पकौड़े निकलेंगे। और ये देखिए अब पकौड़े डाल रहे हैं और इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी सब्ज़ी पकौड़ा जो है वह हम रेडी करने लगे हैं। बहुत अच्छी बनती है ये रेसिपी, और आपने ज़रूर एक बार ट्राई करने हैं ये पकौड़े, और बताना है कि कैसे लगे आपके फैमिली मेम्बर्स को ये मज़ेदार डिलीशियस सब्ज़ी पकौड़ा। ठीक है जी, एंड आई ऑल्सो ट्राई फर्स्ट टाइम, बट इट्स लुकिंग सो नाइस, सो आई शुड ईट इट। ठीक है जी, और आपने वीडियो को लास्ट में कंप्लीट देखना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और ये देखें क्रिस्पीनेस चेक करें कि कितने क्रिस्पी हैं। और अब साथ ही बनाने जा रहे हैं ग्रीन चटनी, जिसमें हमने धनिया लिया है, पुदीना लिया है। ठीक है जी, और ये पहले पुदीना ऐड किया है, ये धनिया ऐड कर रहे हैं। स्पेशल ज़ुबैदा की चटनी हम आपको बताने जा रहे हैं, पकौड़ों के साथ बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है जी, तो सीक्रेट ज़ुबैदा रेसिपी। ओके जी, तो ये हम साथ में ग्रीन चिली यानी हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं, 2-3 इन क्वांटिटी, और यू इंक्रीज द क्वांटिटी। ठीक है जी, जितने आप बढ़ाना चाहें। दूसरे सेट पे पकौड़े भी तल रहे हैं, हम यमी यमी से खाएंगे, मज़े करेंगे, और आपने ट्राई करके बताना है कि कैसे लगे आपको ये सब्ज़ी पकौड़ा। ओके जी, सो ये देखिए जी सर, आप चेक कीजिए, क्रिस्पी चेक कीजिए, देखने से ऐसा लग रहा है कि बड़े फ्लफ़ी से होंगे ये, और बड़ा मज़ा आने वाला है इन्हें आज खाने के लिए। और वैसे ही रोज़ा बहुत लग रहा है, तो आई होप सब थोड़ा मज़ा आएगा। ये हमने ज़ीरा ऐड किया है, साबित ज़ीरा। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू आर टेस्ट। ठीक है जी, जितना आप ऐड करना चाहते हैं उतना आप ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक स्पेशल चीज़, दैट इज़ इमली का पल्प। इमली बॉयल करके उसकी गुटलियाँ निकाल के उसका जो पल्प था उसे हमने ऐड किया चटनी में, और ये बहुत मज़ेदार चटनी बनती है। आपने ट्राई करना है, ये देखें ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, हमारी चटनी हो गई है रेडी। इससे भी हम करेंगे डिश आउट, और इसके साथ हम खाएंगे पकौड़ा। बहुत मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, ये देखिए जी, वाओ व्हाट अ कलर। यू शुड ट्राई दिस चटनी विद पकौड़ा। ठीक है, दही की चटनी भी बनाइए अगर कोई खाना चाहे, और बहुत मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। यू शुड ट्राई दिस एटलीस्ट 1 टाइम। ठीक है जी, और बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए ज़ुबैदा पे फूड सीक्रेट आपसे इजाज़त लेगा। और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी रेसिपी देखना, तो आप भी बता सकते हैं हमें अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपकी दुआएं हैं और दुआओं की बहुत ज़रूरत है, याद रखिएगा। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए ज़ुबैदा आपकी फूड सीक्रेट को, इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे और ढेर सारी नई रेसिपीज़ के साथ मिलेंगे। और ये चटनी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है जी, ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है, देखने में इतनी अच्छी लग रही है, और मैंने ये पहले भी ट्राई की हुई, ये बहुत 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 अच्छी होती है। ठीक है जी, सो
इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। अल्लाह हाफिज़।